अस्सलाम वालेकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाज़रीन, मेरा नाम राना मोहम्मद अरसलान वीद और आज हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा टॉपिक प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे। ये एक टाइप है प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस की। इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इस्तेमाल करते हैं एंड और गेट का, की मदद से हम कॉन्फिगर कर सकते हैं और बुलियन फंक्शंस को डिसाइड करके अप्लाई। हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा। ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास ए बी सी इनपुट्स है और दो आउटपुट्स आएंगे फंक्शन एफ और फंक्शन टू को, F1 और F2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इनपुट्स होंगी वो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वन है वो हाई है और बाकी जहाँ जहाँ जीरो है वो हमारे पास लो है। हम अपने फंक्शन एफ को लेकर अपनी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं सेम एज के मैप। अगर आपने के मैप नहीं समझा तो हमारे प्ले लिस्ट में के मैप्स की वीडियो है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं के मैप कैसे वर्क करता है। तो के मैप की वैल्यूज़ में हमने अपनी वैल्यूज़ पुट की और हमने अपने इक्वेशन निकाली F1 की, F2 की हमने वैल्यूज निकाल ली। फिर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं कि हम अब F1 और F2 को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास ए बी सी इन तीनों में जो हमारे पास वैल्यूज़ है ए बी बार ए सी और बी सी जो है उनमें कोई सेम तो नहीं है। अगर कोई सेम होगा तो उसे हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम यूज़ करेंगे, हम डबल यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने अपना ये टेबल इस्तेमाल किया। इस टेबल को इस्तेमाल करने के बाद हमने अपना सर्किट ड्रा किया। सर्किट कैसे ड्रा किया, सर्किट के अंदर देने ए बी सी हमारे पास तीन इनपुट्स थी, उसके अंदर हमने नॉट गेट लगाए हुए हैं, नॉट गेट तीन नॉट गेट लगे हुए हैं, तो फिर हमारे एंड गेट भी तीन लगे हुए, दो और गेट लगे हुए हैं। तो इस कुछ इस तरह इसके अंदर डिफरेंट ये है कि हमारी जो इसके अंदर इनपुट आएगी वो सिंगल आएगी। ये देखें ए बी, हमने बी बार जो यूज़ किया वो सिंगल लिया। हम यहाँ पे डबल भी कर सकते थे मगर ये जो है प्रोग्रामिंग लॉजिक एरे के अंदर हम सिंगल इनपुट लेते हैं। आप यहाँ पे भी सिंगल इनपुट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन की हुई है, यहाँ पे आप इस तरह सिंगल लाइन लगा के तीनों की वहाँ से आप अपनी इनपुट जो है जनरेट कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे दूसरी तरह मेथड में कर दिया जैसे हम प्रीवियस सर्किट्स बनाते रहे अपने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ए बी बार लिया तो ए बी बार ए सी फिर बी सी लिया, तो हमारे पास जो इनपुट्स आई हैं हमारे पास उसकी आउटपुट निकली, तो हमने F1 और F2 को निकाल लिया। अब अगर आपको कंफ्यूज हो रहा था कि हम अपने ट्रू टेबल को कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यू आई है कहाँ पे लो है, आपको वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करें और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हाई है और कहाँ पे लो है। सबसे पहले आपने ये सर्किट ड्रा करना सीखना है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।